बस देखिए हमारे पास कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा बस यही है, मान सम्मान है और बस और कुछ नहीं है। ये पूरे रसोई परिवार जिसको आना है वो आ जाए। पूजा चौधरी जी और श्री यशवीर चौधरी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज श्रीमती पूजा चौधरी जी का जन्मदिन है तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता है देने के लिए, लेकिन बस थोड़ा सा प्रेम है और हम इतने बड़े भी नहीं है जो आशीर्वाद दे सके, बस शुभकामनाएं प्रेषित कर सकते हैं। तो शुभकामनाएं प्रेषित हम लोग ईश्वर का नाम लेके करते हैं, क्योंकि हर काम में ईश्वर को अगर याद कर लिया जाए तो सबसे बड़ी बात होती है। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पूजा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। दिल से धन्यवाद। भाई जो भी आए लाइन से आना भोजन के लिए, आपके पीछे बुजुर्ग भी लगे हुए हैं, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना। हम लोग इस प्रोग्राम को पूरा कंप्लीट करके जा चुके हैं। लगना चाहिए ना मेरी बीवी का बर्थडे। अच्छा, इन्होंने मेरे बालों में ना इतने सारे फूल डाले हैं और मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ रहती हूँ, माला पहनने के और ये फूल बरसाने के, लेकिन मेरे सारे बालों में फूल ही फूल हो गए। तुम जो भी हो, तुम्हें बीच में खड़ा करके मंत्र पढ़ने चाहिए था तुम्हारे ऊपर, लगा बहुत दिल को बहुत शुक्र हुआ। कितना समय, कितने लोगों को, और इतनी गर्मी हो रही है और इतने मतलब खाने पीने का सारी व्यवस्था हो रही है, बहुत अच्छी बात है। चलिए फिलहाल बहुत अच्छा लगा, मेरा बर्थडे जो है वो बहुत अच्छे से जा रहा है। और ये है केक, ये भी पार्लर के बच्चों की तरफ से ही है। क्यों भाई, क्यों इतना खर्चा करा? सरप्राइज है। वेरी गुड, आ जाओ गुरु, आ जाओ सब, आ जाओ इधर, चलो लगाओ इसको। बर्थडे कल, हाँ बर्थडे कल, जलाओ बेटा, जलाओ जल्दी से, जला दो जल्दी से, जला दो बस, इसे इसे चुप करवाओ यशु बिल्कुल। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Rabi, happy birthday to me, happy birthday to me. कोई बात नहीं, चलो पापा को खिलाते हुए दिखाया जाए, खुशी को खिलाते हुए दिखाया जाए, सबको खिलाते हुए दिखाया जाए। देखो कितने चुपचाप बैठा है, उसको पता है कि हाँ मुझे शैतानी नहीं करनी है। इतना सुंदर प्यारा डॉगी होगा कोई, मामा का बेटा है ये, बहुत प्यारा वाला, हाँ मेरा प्यारा बच्चा है ये। देखो कैसा फोड़ा फाड़ी कर रहे हैं लोग, देखो जरा। तो बहुत अच्छे से बच्चों ने हमारे अरेंज किया है हमारा बर्थडे पार्टी। तो हम लोग आ गए हैं बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए। पापा क्या बर्थडे गिफ्ट दिलाने वाले हो? जो तुम्हारा मन करे। मुझे स्मार्ट वॉच चाहिए, मैं स्मार्ट वॉच लेने के लिए आई हूँ। और क्या कहते हैं, हम लोग कहाँ है, रिलायंस पे है ना, रिलायंस से लेके जाएंगे आज। सबसे बड़ा शोरूम यही है स्मार्ट वॉच। हाँ तो बस यहीं से लेंगे, रिलायंस से लेंगे बढ़िया से स्मार्ट वॉच। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग कैसी वाली वॉच लेने वाले, क्योंकि पता है गोल्ड वोल्ड का तो मैं ना हर बार एक साल में 3 बार गोल्ड खरीदती हूँ मैं, अपने बर्थडे पे, करवा चौथ पे और क्या था शादी की सालगिरह पे। इन तीनों ओकेजन पे यश मुझे हमेशा गिफ्ट में गोल्ड ही देते हैं, कभी रिंग दे देते हैं, कभी हाथों की चूड़ियां दे देते हैं, कभी गले का कुछ दे देते हैं, बट मुझे नहीं चाहिए क्योंकि पता है क्या, सारा कुछ मेरा बैंक में रखा रहता है। कहाँ पहनती हूँ मैं, अभी भी देखो बस एक एक चूड़ी पहन रखी है, ना कानों में कुछ पहन रखा, ना गले में, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है कुछ भी पहनना, बहुत ही मतलब ये सब लटका के नहीं रह सकती, कभी कभी मुझे पहनने का मन करता है, तो ये सारी चीजें सब बैंक में रखी रहती है। तो मैं अब दोबारा आपसे गोल्ड खरीद के फिर उसको बैंक में रखने के लिए क्यों खरीदूं, स्मार्ट वॉच तो मैं हमेशा पहन के घूमूंगी।
इससे मुझे ये भी पता चलेगा मैं दिन भर कितना चलती हूँ। अच्छा ठीक है ना। हाँ चलो चलिए चलते हैं। क्योंकि भैया क्लियर सी बात है मेरा जो काम है वो मेरा एप्पल फोन से नहीं चलेगा। तो मेरे पास तीन तीन चार चार फोन है बट मैं एप्पल नहीं ले सकती हूँ क्योंकि मेरी वीडियो जो शूट होती है और एडिटिंग सबसे मेन है एडिटिंग, क्योंकि सबसे ज्यादा एडिटिंग जो है वो मैं मोबाइल से करती हूँ। एप्पल के फोन अलग है तुम्हारे और क्या, और शूट करने के अलग है। एक फोन से मेरा काम चलेगा नहीं ना, इसलिए मैंने क्या कहते हैं एप्पल का फोन नहीं लिया हुआ। स्मार्टफोन भी होता है उसमें, मेरा और क्या सब कुछ और क्या, तो वो चीज मुझे नहीं चाहिए थी तो वो हम लोगों ने थोड़ा सा अवॉइड किया। बट ये मुझे बहुत प्यारी लग रही है। बट कोई नहीं, अभी देखो खुशी क्या बोलेगी, खुशी छीन लेगी इसको क्योंकि खुशी के पास भी यही है, खुशी के पास भी ये है और क्या कहते हैं ध्रुव के पास भी है ब्लैक कलर की, उसके पास सेम पिंक है। अब वो देखना जरा क्या नटकरी क्या नटकरी। खुशी के पास भी तो पिंक है ऐसी, हाँ बिल्कुल सेम है। अरे यही कलर है सेम है बिल्कुल। तो खुशी के पास भी है स्मार्टफोन स्मार्ट वॉच और ध्रुव के पास भी है, मैंने भी ले ली क्योंकि मुझे अभी ये पहननी थी। अब मैं ये गोल्ड का ये निकाल दूंगी, एक हाथ में बस इसी को पहन के रहा करूंगी। तो ये था आपका आज का अपडेट। पापा को इतना सस्ते में छोड़ दिया, पापा कुछ और भी लेना है, तुम इतने सस्ते में नहीं छूट सकते। ट्रेन खरीदनी है, ट्रेन नहीं ट्रेन ले लो एक। नहीं तुम इतने सस्ते में कैसे छूट सकते हो, 8,000 रुपए में छूट गए। पहली बार जिंदगी में इतने सस्ते में छूट गया। हाँ मुझे गोल्ड वोल्ड का पता नहीं लेने का मन नहीं है, लेकिन मैं ब्रेसलेट ले लूँ एक इस वाले हाथ के लिए। ले लो एक ब्रेसलेट ले लूँ क्या गाइस, आप लोग ऑर्डर वो करो कमेंट के, मैं इस हाथ में वॉच और इस हाथ में ब्रेसलेट या चूड़ी, जैसे अब ये गोल्ड की चूड़ी है ये पहने रहूं या एक ब्रेसलेट खरीदूं। अगर ब्रेसलेट खरीदने के लिए आप लोग बोलोगे ना तो इनको मैं बर्थडे गिफ्ट में ब्रेसलेट भी बोलूंगी कि मुझे दिला दे। दिला देगा पापा? बिल्कुल दिला दूंगा। हाँ दिलाने के लिए तो मना है ही नहीं, तभी तो मैं इनका खर्चा ज्यादा नहीं कराती हूँ क्योंकि मुझे पता है फ्री है बिल्कुल मामला। अगर मैं 50,000 25,000 एक 1.5 लाख की भी वॉच खरीदती तब भी ये मुझे दिला देते, मुझे पता है कि मुझे दिला देते तो तभी तो यहाँ मिली भी नहीं। मुझे पता होता 8,000 की मिलेगी तो वहीं से ले लेते। और यार इतना घूमे हम पता मैं शूट भी नहीं कर पाई वीडियो क्योंकि हर जगह कैमरा उठाना अच्छा नहीं लगता, तो पता है वीडियो भी नहीं शूट कर पाई, मिल ही नहीं रही थी कहीं भी, जो मुझे पसंद आ रही थी वो मिल ही नहीं रही थी। बट क्या कहते हैं फाइनली बहुत ढूंढने के बाद ये मिली है, तो अभी हम इसको मोबाइल से कनेक्ट भी करा लिया मैंने और ले ली। अब हम चलते हैं घर क्योंकि काफी टाइम हो गया। ब्रेसलेट वाली बात पे आप लोग गौर कीजिएगा, कमेंट करिएगा, जितने ज्यादा कमेंट आएंगे तो ब्रेसलेट भी लिया जा सकता है। हाँ मुझे मेरे चेहरे को देख के, इनके मासूम चेहरे को देख के आप ब्रेसलेट के लिए कर सकते हैं, है? कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मुझे गरीब को देख के ये देखो, ओह माय गॉड आई एम सो हैप्पी, मुझे इतने में बहुत खुशी है। पापा सब कुछ जो तुम्हारा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तुम्हारा है, सब एक दूसरे का ही तो है। जो मेरा है वो तो मेरा है ही जो मेरा है वो तो मेरा है ही, जो तुम्हारा है वो भी मेरा ही है, तो इसमें गलत क्या है, सब कुछ घुमा फिरा के मेरा ही है। चलिए तो घर चलते हैं। तो हम लोग ना मार्केट से आ गए थे और उसके आने के बाद ना बहुत ज्यादा थकान टाइप की हो रही थी, और देखो मेरी स्मार्ट वॉच कितनी बढ़िया लग रही है, हाथ में भी बहुत सुंदर लग रही है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए, वहां से आके मैंने रेस्ट किया, पार्लर पे भी रही मैं काफी देर, फिर उसके बाद जा रहे हैं अब हम लोग डिनर करने के लिए। चलो बच्चों रेडी हो जाओ बिल्कुल जल्दी। तो बच्चे जो है ना अभी रेडी हो रहे हैं, है ना कोको? कोको घर पे ही रहेगा क्योंकि जहां हम जा रहे हैं ना वहां पे डॉग अलाउड नहीं है, तो कोको को हमने खाना डाल दिया है और वो जो है घर पे रहेगा। तो चलिए चलते हैं, आप लोगों को वहीं पे मिलेंगे।
खाना हम लोगों ने खा लिया, लंच हमारा फिनिश हो गया है और अब हम जाएंगे घर। बहुत ही बढ़िया लंच था, है ना खुशी, कितना बढ़िया लग रहा था ना, बहुत ही बढ़िया लंच था, मजा आ गया था। सुनो भाई बच्चों, आज आपका बर्थडे है ना, पापा से क्यों ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकते, म्यूजिक चल रहा है, मुझे म्यूट कर देना, मैं ये आवाज डालती हूं, वो डालती हूं। पापा से जाओ, चलो क्या कहते हैं, चॉकलेट ठीक है। और आपकी कोई डिमांड? आपकी कोई डिमांड? मैं आइसक्रीम खाऊंगा, पेस्ट्री का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि कहाँ हम लोग जाते हैं, बच्चे कुछ खाने के लिए बोल रहे हैं और भी कुछ। घर पर हम लोग आ चुके हैं और पता इतना ज्यादा, मतलब अभी ये मन कर रहा है कि बस सो जाओ, इतनी नींद आ रही है पता नहीं क्यों। और कोको जो है वो हमारे साथ खेली खेली कर रहा है, कोको हो मेरे बच्चा, देखो ये छोना मम्मा के बगैर टच रहे, छोना मम्मा के बगैर टच रहे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, अच्छे से रह लेता है। ओए कोको ये देखो, ये फोटो तुम्हारा। तो बस आज की वीडियो जो है वो यहीं पर एंड करते हैं, बताइएगा जरूर कि आपको मेरा बर्थडे ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।